अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हमने एक नई क्लास शुरू की है जिसमें हम दोस्तों आपको जड़ से, ज़ीरो से, यानी के बुनियाद से आपको हम दोस्तों मोबाइल रिपेयरिंग सिखाने की कोशिश करेंगे, और इंशाल्लाह कोशिश नहीं, इसमें कामयाब होने का भी आज़म रखेंगे। तो दोस्तों, जिस तरह हमने पिछली वीडियोस में मुख्तलिफ़ किस्म की सॉफ्टवेयर पे वीडियोस बनाई, मिक्स वीडियोस बनाई, और इसके अलावा हमने दोस्तों चाइना जो सॉफ्टवेयर है उसकी भी क्लास जो शुरू की है, तो दोस्तों हमने जो यानी कि हार्डवेयर रिपेयर, मोबाइल का जो रिपेयरिंग है उसकी वीडियोस को भी साथ लेके चलना है। तो दोस्तों, ये जो दो क्लासें हैं ये साथ साथ चलेंगी, इनकी 1x1 या 1x2 वीडियोस आती रहेंगी। तो दोस्तों, करना आपने ये है कि सबसे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों आपने हमारे चैनल से कनेक्टेड रहना है, यानी कि जुड़ जाना है आपने हमारे चैनल से। किसी काम को आप करें ना करें, मिस करें दोस्तों, लेकिन चैनल में जितनी वीडियोस हम अपलोड करें हर वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आप दिनों में कारीगर बन जाएं, काम सीख जाएं। दोस्तों, आज के दौर में दोस्तों वैसे भी बड़ा मसला है काम ढूंढने का, नौकरी करने का। तो दोस्तों, घर बैठे काम है शॉप डालकर कहीं भी दोस्तों आप अपना, अपने बच्चों के लिए आसानी से अपना काम चला सकते हैं। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आज मैं दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ आपको इतना बताऊंगा कि जब आपने मोबाइल रिपेयरिंग का काम शुरू करना है तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या होना लाजमी है, जिसके बगैर काम नहीं चलेगा। तो दोस्तों, मोबाइल की जो शॉप होती है दोस्तों, उसमें काफी चीजें होती हैं। एक्सेसरी की मैं बात नहीं करूंगा दोस्तों, स्पेयर पार्ट की बात मैं नहीं करूंगा। आज मैं सिर्फ और सिर्फ जो टूल्स होते हैं दोस्तों, यानी कि जो औजार होते हैं जिनसे आपने मोबाइल को खोलना है, रिपेयर करना है, और यानी कि जो भी कुछ आपने मोबाइल का करना है वो औजार जो होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, मैं शुरू किए देता हूँ। आपने सबसे पहले दोस्तों एक स्क्रू ड्राइवर सेट खरीदना है, यानी कि जिसको हम आम अपनी जबान में पेच का सेट कहते हैं। तो दोस्तों, आपने सबसे पहले ये करना है कि जो भी चीज़ ख़रीदनी है, टूल जो है, टूल के बारे में दोस्तों आपने समझौता नहीं करना। टूल जो है वो आपने ख़रीदना है, एक नंबर का ख़रीदना है। जैसा कि दोस्तों आप मेरे पास ये पेचकस सेट यानी कि स्क्रू ड्राइवर सेट देख सकते हैं दोस्तों, ये बहुत अलग क्वालिटी के, बहुत हार्ड किस्म के बने हुए हैं दोस्तों, एक दफ़ा ही ख़रीदने पड़ेंगे, ख़राब होने की तो बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है दोस्तों। इनमें जो ख़ास चीज़ है वो आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, जैसे ही आपने स्क्रू को खोलना है, ओपन करना है, तो दोस्तों यहाँ से हाथ स्लिप नहीं होगा, ये खास तौर पर यहाँ से बड़ा कमाल का बना हुआ है। दूसरा, इसमें दोस्तों इसका जो मुंह होता है दोस्तों, टूल का असल चीज़ वो होती है, ख़राब ना हो, स्लिप ना हो, तो दोस्तों वो भी आप देख सकते हैं। उससे दोस्तों साथ मिलती जुलती चीज़ ये होती है कि ये जो इसकी कैप होती है, इसमें दोस्तों जैसा कि सस्ते हों तो कुछ और ही सिस्टम होता है, लेकिन दोस्तों जो हाई क्वालिटी के हों उनमें बॉल बेयरिंग यूज़ किया जाता है, ताकि अगर आप इस तरह से यूज़ करें तो ये आपके यहाँ हाथ में ऐसे, इधर से मैं इसको घुमा रहा हूँ लेकिन ऊपर से जो है वो आसानी से, तो दोस्तों आपका हाथ दर्द नहीं करेगा चाहे आप जितना भी काम करें, और आसानी से काम होगा। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं। इनके साथ दोस्तों कुछ और भी मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों, ये तमाम के तमाम जो हैं वो हार्ड, आला क्वालिटी के और बेहतरीन क्वालिटी के जो स्क्रू ड्राइवर हैं दोस्तों, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो आपने एक दफ़ा ही ख़रीदने हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी के ख़रीदने हैं। उसके बाद इनको मैं एक साइड पर रख देता हूं दोस्तों। मोबाइल के ओपनर यानी कि मोबाइल के स्क्रू खोलने के बाद, बाज़ मोबाइल जो होते हैं, नए मोबाइल होते हैं, उनके कैचर जो होते हैं वो बहुत हार्ड किस्म के होते हैं, नाखून से बाज़ दफ़ा मोबाइल नहीं खुलते। तो दोस्तों आपने नाखून को यूज़ भी नहीं करना। इनको मुख्तलिफ ज़बानों में मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं दोस्तों, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो ये सिंपल सी चीज़ है, ये आप आसानी से देख सकते हैं दोस्तों। मैं तो इनको सिर्फ़ और सिर्फ ओपनर कहूँगा, क्योंकि ये मोबाइल को खोलने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें दोस्तों ये देखें, इधर से कमाल की चीज़ बनी हुई है, ये भी मार्केट से मिल जाते हैं दोस्तों, मुख्तलिफ किस्म के आपने ख़रीद लेने हैं। तो इसमें दोस्तों एक और किस्म है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, ये चीज़ भी मार्केट से मिल जाती है। अगर आपको ये वाले ओपनर ना मिलें, ये बहुत ख़ास किस्म की चीज़ है, बीच में बहुत अच्छे किस्म का प्लास्टिक लगा हुआ है, हार्ड किस्म का, तो दोस्तों ये भी आपको एक दफ़ा ही ख़रीदने पड़ेंगे, आपने ये भी अलग क्वालिटी के ख़रीदने। उसके साथ दोस्तों ये जो बड़ा अपना स्टील का बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर आपको ये चीज़ ना मिले तो आप ये चीज़ ख़रीद लें, ये भी मोबाइल को ओपन करने के लिए ख़ास कमाल की चीज़ है। इनको भी मैं एक साइड पर रख देता हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये स्टील की बनी हुई है और फ्लेक्सिबल है,
तो दोस्तों ये भी जो है मोबाइल का ओपनर ही है। ख़ास तौर पे ये मोबाइल की एलसीडी और उसका जो टच होता है उसको अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों मार्केट से ये चीज़ जो है ये भी बआसानी मिल जाती है। तो दोस्तों आपने ये भी जो ओपनर है, दोस्तों अगर ये चीज़ आपको ना मिले तो ये दूसरा एक और, इसको दोस्तों नाइफ़ कहते हैं। जैसा कि नाइफ का मतलब तो चाकू छुरी का होता है, दोस्तों ये भी कुछ इसी तरह का बना हुआ है, लेकिन ये भी मोबाइल का यानी कि टच वगैरह, और अगर एलसीडी को नीचे से किसी तरीके से चिपकाया गया हो तो उसको अलग करने के लिए बेहतरीन टूल है। तो दोस्तों ये भी आपके पास होने लाजमी है। उसके बाद दोस्तों चिमटी, चिमटी दोस्तों जो है वो आपको खास किस्म की यानी कि जिसमें वो आगे से मुख्तलिफ किस्म की होती है, किसी को बैंड किया होता है, किसी को फोल्ड किया होता है। तो दोस्तों सिंपल चिमटी आपने इस्तेमाल करनी है, सादा सी, लेकिन क्वालिटी अच्छी हो। जितनी इसकी जो नोक है, नोक बारीक होगी उतना ही ये बेहतरीन काम करेगी। दोस्तों आप देख सकते हैं ये मेरे पास दूसरी है, दूसरी ट्यूज़र है। दोस्तों आप इसको भी देख सकते हैं, ये भी स्टील की बनी हुई है, बहुत अलग क्वालिटी की है। तो इन चीज़ों की दोस्तों औजार की कीमत पर ना जाएं, उसके काम पर जाएं, कीमत को ना देखें, क्योंकि औजार जो हैं वो बार बार नहीं खरीदने पड़ते, सिर्फ एक दफ़ा ही खरीदने पड़ते हैं। उसके अलावा दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये एक छोटा सा कटर है दोस्तों, ये मोबाइल रिपेयरिंग में बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। यानी कि मोबाइल में जैसे कोई भी चीज़ जो है उसकी फिटिंग का मसला हो, काट पीट कर किसी चीज़ को हमने लगाना है, तो दोस्तों उसके लिए ये भी एक ख़ास किस्म की चीज़ है। ये भी कोई इतना ज़्यादा महंगा नहीं है दोस्तों, बहुत अलग क्वालिटी का है। आपने इससे दोस्तों मोटी चीज़ें जैसे ऐसे नहीं करना कि आप इसको किसी बड़ी चीज़ में फंसा कर तोड़ दें दोस्तों, ख़राब नहीं करना। टूल जो है उसको टूल की हद तक इस्तेमाल करेंगे तो कभी भी टूल ख़राब नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों जैसा कि जम्पर वायर या किसी चीज़ को काटने के लिए ये जो नाइफ़ है छोटा, हम इसको अपनी लैंग्वेज में दोस्तों क्लिपर कहते हैं, शायद आप भी कुछ कहते होंगे। तो इसको भी आपने अलग क्वालिटी का ख़रीदना है और एहतियात से इस्तेमाल करना है। दोस्तों इसकी ये जो आप देख सकते हैं ये स्टील की बनी हुई है। दोस्तों बार दफ़ा ऐसा होता है कि हार्ड फाइबर की बनी होती है या प्लास्टिक की ये चीज़ बनी होती है तो वो ज़्यादातर टूट जाती है। तो दोस्तों ये भी आपने अलग क्वालिटी का इस्तेमाल करना है। उसके बाद दोस्तों ये जो नाइफ़ आप देख सकते हैं दोस्तों, हम इसको आम सादा अल्फाज में पेपर कटर भी कहते हैं। तो दोस्तों ये भी एक मोबाइल रिपेयरिंग में ज़रूरत की चीज़ है। आपने जब इसको काम करना है तो यहाँ से इसको पुश करके ब्लेड को आगे निकाल लेना है, और जब इसको आपने वापस रखना है तो यहाँ से इसको, ताकि हाथ वगैरह में ना लगे। तो दोस्तों ये पेपर कटर जो है ये भी कमाल की चीज़ है। ये दोस्तों आपने अच्छी क्वालिटी का ख़रीदना है। इसके जो ब्लेड हैं, ब्लेड अगर ख़राब हो जाए तो ये दोस्तों 10 पीस का जो इसका पैक है दोस्तों ये मार्केट से नया मिल जाता है। तो ये भी आपने पेपर कटर जो अलग क्वालिटी का इस्तेमाल करना है। उसके अलावा दोस्तों ये भी एक सेट मिल जाता है चीज़ों को रगड़ने के लिए। तो दोस्तों हम अपनी ज़ुबान में इसको रेती कहते हैं या छोटी रेती कह लेते हैं। दोस्तों ये एक सेट मिल जाता है मार्केट से। तो दोस्तों कमेंट में आपने ये भी बताना है कि इसको आप अपनी ज़ुबान में क्या कहते हैं। तो दोस्तों ये भी काम की चीज़ है मोबाइल रिपेयरिंग में। आपने ये भी दोस्तों एक सेट जो मार्केट से मिलता है वो ख़रीदना है। और उसके अलावा दोस्तों ये जो क्लिप आप देख सकते हैं दोस्तों, मोबाइल को जो आप टच वगैरह फिट करते हैं तो दोस्तों ऊपर से लगा दिया जाता है, ये भी एक बड़ी कमाल की सी चीज़ है दोस्तों। बुरश है दोस्तों, इसको लो क्वालिटी का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें इसके ये दोस्तों यहाँ से जो इसके बाल होते हैं ये ख़राब हो जाते हैं। तो दोस्तों आला क्वालिटी का आपने इस्तेमाल करना है। हमारे पाकिस्तान में इसकी कीमत सिर्फ 100 रुपये है, सिर्फ बुरश की। अगर वैसे सिंपल मार्केट में ले तो दोस्तों ट्यूब के साथ भी 100 रुपये का मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों एक ख़ास चीज़ जो है वो काविया है। इसको दोस्तों आप अपनी ज़ुबान में कुछ कहते होंगे, हम तो काविया ही कहते हैं। तो दोस्तों ये आपने 30 वाट का हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, 220 पे डायरेक्ट चलता है दोस्तों ये। तो एसी वोल्टेज जो 220 होते हैं दोस्तों, बिजली जिसको हम कहते हैं, लाइट भी कहते हैं इस पे दोस्तों। इसमें एक ख़ास चीज़ ये है दोस्तों, यहाँ पर ये लाइट लगी हुई है। जब ये आप इसको यानी कि ऑन करेंगे तो यहाँ पर लाइट जो है वो रोशन होगी, तो उससे पता चलेगा दोस्तों इसकी जो क्वालिटी है वो। इसको मैंने ऑन किया है तो इसमें दोस्तों आपको लाइट नज़र आ रही होगी। तो इसका दोस्तों एक फ़ायदा तो यह है कि यहाँ से पता चलता है कि अगर किसी वजह से जो काविया बंद हो जाए तो यहाँ से पता चल जाता है कि इसमें वायर का मसला है। दोस्तों दूसरा जो इसका फीचर है दोस्तों, वो मैं आपको ख़ास तौर पर यह बता देता हूँ। ये जो यहाँ पर दोस्तों होल नज़र आ रहे हैं, सुराख जो हैं, यहाँ पर आपने इनको कवर नहीं करना,
अगर आप इनको कवर कर देंगे तो ये हिस्सा भी गर्म होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों ये हवा लगने की जगह है ताकि ये जो इसका होल्डर है जहाँ से आप इसको पकड़ेंगे वो गर्म ना हो। दूसरी दोस्तों इसमें ख़ास चीज़ जो होती है काबिये की जो नोक होती है जिससे हमने टांका लगाना होता है दोस्तों, ये एक ख़ास चीज़ होती है। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा आला क्वालिटी की बिट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। अगर मार्केट से आप आला क्वालिटी का ख़रीदेंगे तो जो उसमें बिट लगी होती है वो बिल्कुल अच्छी क्वालिटी की लगी होती है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में इसकी कीमत तकरीबन तकरीबन 300 के करीब करीब है। तो मज़ीद दोस्तों आला से आला क्वालिटी के जो शोल्डर आयरन जो होते हैं ये मार्केट में दस्तयाब होते हैं दोस्तों, लेकिन इसका ये है कि इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, इसकी कीमत भी कम है और देर पर चीज़ है, तो दोस्तों हम इसलिए ये इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक ख़ास चीज़ रह गई है दोस्तों जो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये दोस्तों बारीक जो पॉइंट्स होते हैं, बारीक लाइनें होती हैं जो उनको देखने के लिए दोस्तों आई ग्लास होता है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। इससे जैसा कि दोस्तों आप देख सकेंगे कि ये जो कुछ भी लाइन है कोई भी चीज़ हो उसको ये मोटा करके दिखाने में इस्तेमाल होता है दोस्तों। यहाँ पर इसका ये बटन लगा हुआ है, इसको मैं ऑन करूँगा तो ये नीचे से इसकी लाइट ऑन होगी जिससे आप दोस्तों और मज़ीद अच्छे तरीके से अच्छे से देख सकेंगे दोस्तों। तो ये भी बारीक काम करने के लिए, मोबाइल रिपेयरिंग करने के लिए एक ख़ास किस्म का औजार है। ये दोस्तों शोल्डर है हमारे पास जिसको हम यूज़ करते हैं। इसके ऊपर आप दोस्तों मैकेनिक शोल्डर लिखा हुआ देख सकते हैं, चाइनीज़ में भी लिखा हुआ है, चाइना का बना हुआ है दोस्तों। तो ये शोल्डर जो है दोस्तों काफ़ी बारीक है और काफ़ी आला क्वालिटी का है, और इससे जो आपने टांका लगाना है दोस्तों वो बहुत मज़ेदार और आसानी से बहुत अच्छे से लग जाएगा दोस्तों। जैसा कि चार्जिंग बेस वगैरह लगाते हैं, एलसीडी लगाते हैं, तो आपने भी दोस्तों मैकेनिक शोल्डर यूज़ करना है और यूज़ करके मुझे बताना है कि इसका टेस्ट कैसा है और जो पहले आप इस्तेमाल करते थे उसका भी बताना है। तो दोस्तों उसके अलावा एक और चीज़ है दोस्तों, जम्पर वायर है। अगर कहीं से लाइन टूट जाए, ब्रेक हो जाए, तो दोस्तों वहाँ जम्पर करने के लिए ये जम्पर वायर जो है मार्केट से मिलती है। दोस्तों इसके काफ़ी ढेर सारे फ़ायदे हैं। बारीक सी वायर होती है, इसके ऊपर एक कवर होता है, तो जहाँ से आपने टांका लगाना है तो काबिये की मदद से आपने इसको शोल्ड करके वहाँ से इसका जो कवर होता है उसको ख़त्म करना होता है। तो ये नीचे से वाइट यानी कि जैसा कि इसको शोल्डर लग जाता है, तो दोस्तों जैम्पर करने के लिए ये वायर जो है आपने इस्तेमाल करनी है। दोस्तों उसके अलावा एक बड़ी चीज़ पीछे रह गई जो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये एक प्लेट आप देख रहे हैं दोस्तों, इसमें दोस्तों ये मोबाइल के बोर्ड को जैसा कि हम हीट गन की मदद से मोबाइल को हीट करते हैं, इसमें कट बने हुए हैं। इस तरह आप बोर्ड को इसमें फिट कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपने बोर्ड को इसमें यानी कि इस तरह से कोई आपने ऑपरेशन करना है बोर्ड का तो इस तरह से भी आप इसमें बोर्ड को फिट कर सकते हैं दोस्तों साइड से हीट मारने के लिए। तो दोस्तों ये जो चीज़ है दोस्तों रिपेयरिंग के लिए ये भी एक ख़ास किस्म का औजार है, ये भी मार्केट से दोस्तों मिल जाता है। ये कुछ बड़े साइज़ में है, तो आजकल मार्केट में कुछ छोटे साइज़ के जो यानी कि इस किस्म के औजार हैं बोर्ड को जो सेट करने के लिए, बोर्ड को पकड़ने के लिए दोस्तों, तो मार्केट से मिल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों रिपेयरिंग के लिए आपको एक अदद मल्टीमीटर, चाहे वो एनालॉग हो चाहे डिजिटल हो, इसके अलावा एक अदद पावर सप्लाई, एक अदद लैंप और एक अदद हीट गन की ज़रूरत होती है। इनके बगैर दोस्तों रिपेयरिंग जो है वो नहीं हो सकती। इनके अलावा आपको स्पेयर पार्ट की ज़रूरत होगी, लेकिन ये जो मैंने बताया है दोस्तों और आपको वीडियो में दिखाया है ये टूल हैं रिपेयरिंग के। तो दोस्तों रिपेयरिंग के बारे में आज हमने आपको सिर्फ इतना ही गाइड किया कि टूल आपने कैसे ख़रीदने हैं, आला क्वालिटी के हों, कौन कौन से हों, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों हम अपनी आने वाली मज़ीद नेक्स्ट यानी कि नई वीडियोस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाइड करेंगे, मोबाइलों को रिपेयर करेंगे और साथ में वीडियोस भी बनाएंगे। तो दोस्तों करना क्या है आपने, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को मुकम्मल देखना है, ऑन नेट देखना है और वीडियोस को लाइक करना है, वीडियोस पर कमेंट करना है, वीडियोस को शेयर करना है और अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, अल्लाह हाफिज़।